इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब। अगेन आई एम विद यू विद अ न्यू सेशन, चैलेंजिंग सेशन। दिस सेशन अलाउज यू टू प्रूव योरसेल्फ वेदर यू आर गुड, यू आर बेटर और यू आर द बेस्ट। इफ यू आर द बेस्ट, इट मीन्स यू विल सर्टेनली प्रूव दैट यू हैव वर्क्ड हार्ड। एंड there are 25 questions and each and every question is just on a level. Let's begin. ये question challenging है, आपको 25 questions आपको solve करने हैं। अगर आपने 25 के 25 हो, यानी 25 out of 25 अगर आपने सही कर लिया तो आप कह सकते हैं कि इन questions के level पर कोई भी किसी भी exam में आपको दिया जाए आप कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो सकता है आप। और अगर आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप अपने आप से कह सकते हैं कि आपको अभी और हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है। ये मिक्स्ड क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली कर लेंगे जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल के लिए है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं और आपको ये क्वेश्चंस ये सजेस्ट करेंगे कि आपको और अधिक हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है यदि आप नहीं कर पा रहे। यदि आप कर ले रहे हैं तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको किसी भी लेवल पे किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैलेंजिंग सेशन। कोई भी बच्चा जो आंसर देगा उस आंसर को रिट्रैक्ट नहीं करेगा। आपने एक आंसर दे लिया, इसका आंसर ए है, बी है, सी है या डी है, तो आंसर आपका फाइनल कर लीजिएगा और फिर लास्ट में काउंट करिएगा कि आपने सही कितने आंसर आपने दिए। उसके हिसाब से आप अपनी कैटेगरी बना सकते हैं कि आप मॉडरेट लेवल पे हैं, आप अच्छे गुड लेवल पे हैं या फिर आप एक्सेलेंट यानी जीनियस लेवल पे आप हैं। इस हिसाब से आप तय कर सकते हैं। तो चलिए आज ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, आप देखें कि आप कितना कर सकते हैं। मिलाते जाइएगा आप सारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, ये नरेशन का क्वेश्चन देख रहे होंगे आप। Eva said that she might go home the next day with her sister. A होगा, B होगा, C होगा या D होगा? देख के बताएं कौन सा आंसर यहां बेस्ट है। A, I may just go home tomorrow with my sister. B, I may go home today with my sister. I can go home tomorrow with my sister या I will go home tomorrow with my sister, क्या होगा? कर लेंगे। चलिए जैसा कि देख रहे होंगे, Eva said that she might go home, I may just go home the next day, the next day यहां पे tomorrow है और यहां पे today है, तो B तो नहीं होगा। B नहीं होगा तो C भी नहीं होगा क्योंकि can है, और डी भी नहीं होगा, बी है यहां पे, यानी आपका आंसर जो होगा यहां हो जाएगा बी ऑप्शन में। यहां पे जस्ट नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यू हैव सेकंड क्वेश्चन। ही सेड वेयर शैल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट ए। सारे ऑप्शंस देखें, ए बी सी या डी, कौन सा बेस्ट है चूज करें। ही सेड वेयर शैल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। ही आस्क्ड दैट वेयर शुड ही बी दैट टाइम नेक्स्ट ईयर। ही वंडर्ड वेयर ही शुड बी दैट टाइम द नेक्स्ट ईयर। ही आ रहेगा, ही कंटेम्पलेटेड वेयर शैल ही बी दैट टाइम द फॉलोइंग ईयर या ही वंडर्ड Where he would be that time the following year? कौन सा होगा? A, B, C या D? यहां पर ही जोड़ लीजिएगा, ही contemplated। ओके, इतना टाइम तो काफी आपके लिए। तो he said, where shall I be this time next year? इसका आंसर होगा, he wondered where he would be that time the next the following year। यहां wonder आपने इसलिए लिया क्योंकि उसे इस चीज का एहसास नहीं है
वो ये कह रहा है अगले साल मैं कहां रहूंगा इस समय. दिस इज ईयर ही वंडर्ड वेयर ही वुड बी. अगर आपके मन में आए कि सर ही वंडर्ड ही शुड बी क्यों नहीं हो रहा है, तो मैंने पढ़ाया है आपको, आप जरूर पढ़े होंगे, शैल अगर किसी रिक्वेस्ट के सेंस में यूज होता है, किसी परमिशन लेने के सेंस में होता है, तो हम शैल को शुड में बदलते हैं. बाकी सेंसेस में हम शैल को शुड नहीं वुड में बदलते हैं. तो सी हो जाएगा आपका, सॉरी डी हो जाएगा आपका, ही वंडर वेयर ही वुड बी दैट टाइम द फॉलोइंग ईयर. ओके, थर्ड क्वेश्चन आपका है, ही सेड आई मस्ट गो नेक्स्ट वीक. कौन सा आंसर होगा? मेहनत करें, अगर आप इन्हें करते हैं तो आप एक चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप 25 के 25 सही करके आज आप दिखाएंगे. ही सेड आई मस्ट गो नेक्स्ट वीक, तो ही सेड दैट ही मस्ट गो नेक्स्ट वीक यही रहेगा, या ही सेड दैट ही मस्ट गो द फॉलोइंग वीक ये हो जाएगा, या ही सेड दैट ही वुड हैव टू गो द फॉलोइंग वीक, या he said that he was to go the following week. क्या बेस्ट चूज करना है आप? He said I must go next week. कौन सा चूज कर रहे हैं आप? ए बी नहीं सी ये कर रहे हैं या डी कर रहे हैं आप? देखिए, अगर आपने ए चूज किया तो आपने गलत चूज किया. मस्ट जब नॉर्मल सेंस में यूज होता है तो मस्ट को हम चेंज करते हैं. प्रेजेंट में मस्ट को हम हैव टू या हैज टू में चेंज करते हैं, पास्ट में हम मस्ट को हैड टू में चेंज करते हैं, और फ्यूचर में मस्ट को हम विल हैव टू में चेंज करते हैं. ये नेक्स्ट वीक बता रहा है, ही इज नॉट टॉकिंग ऑफ द प्रेजेंट टाइम. वो प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है, ही इज टॉकिंग ऑफ द फ्यूचर टाइम. वो भविष्य की बात कर रहा है. जब भविष्य की बात कर रहा है, ये जो मस्ट आपका है, ये मस्ट या हैव टू में चेंज नहीं होगा, हैड टू में चेंज नहीं होगा, वाज टू में चेंज नहीं होगा, ये मस्ट आपका विल हैव टू में चेंज होगा. और चूंकि पहली क्लास आपकी पास्ट है, प्रिंसिपल क्लास, इसलिए ये क्लास आपकी पास्ट होगी. जब पास्ट होगी तो जो विल हैव टू है मस्ट के बराबर, वो वुड हैव टू हो जाए. समझ सकते हैं आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ही सेड दैट ही वुड हैव टू गो द फॉलोइंग वीक. देखते जाइएगा और ऑप्शन रिट्रैक्ट नहीं करिएगा, रखिएगा मेन पे. तो सी ऑप्शन हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का. फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, देखें, इफ यू डोंट कीप क्वाइट, यदि आप शांत नहीं रहोगे, आई शैल शूट यू, तो मैं आपको गोली मार दूंगा. He said to her in a calm voice. उसने बिल्कुल शांत लहजे में उससे कहा. क्या गलत, क्या इसमें गलत नहीं, सॉरी, क्या इसमें इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा? If you don't keep quiet, यदि आप शांत नहीं रहोगे, I shall shoot you, मैं आपको गोली मार दूंगा. He said, उसने कहा, to her, उससे, इन अ काम वायश, बिल्कुल शांत आवाज में, शांत लहजे में. क्या हो? He warned her to shoot if she didn't keep quiet calmly. He said calmly that I shall shoot you if you don't be quiet. यहां ही रहेगा. He warned her calmly that he would shoot her if she don't. If she didn't keep quiet, या calmly he warned her that be quiet, else he will have to shoot her. कौन सा आंसर? A, B, C या D? C में फिर से आप ही जोड़ लीजिए. बढ़िया क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके आपके एग्जाम्स जो आए हुए पेपर्स हैं उन्हीं में से लिए गए हैं, तो आप इनका फायदा ले सकते हैं, आप कि आपका लेवल क्या बन रहा है. ओके, चूज कर लिया आपने. चलिए, इफ यू डोंट कीप क्वाइट आई शैल शूट यू, ही सेड टू हर इन अ काम वॉइस.
उसने उससे कैसे कहा? शांत लहजे में कहा. He warned her to shoot if she did not keep quiet calmly. ये calmly किसके लिए है? इस keep quiet के लिए है. तो वो जिससे उसने कहा उसके काम होने का प्रश्न नहीं है. काम होकर किसने कहा? इसने कहा. तो ए ऑप्शन है, कामली यहां नहीं आ सकता है. बी ऑप्शन है, ही सेड कामली, उसने शांत लहजे में कहा दैट की आई शैल शूट यू. यहां पे प्रॉब्लम होगी ना आपको, ये प्रोनाउन, ये वर्ब, ये तो चेंज होगा टेंस वगैरह आपका ना, तो बी में नहीं होगा. सी, ही वार्ड हर कामली, सही ना, He warned her calmly. उसने उसे शांत लहजे में चेतावनी दी that he would shoot her. He would shoot her. हो जाएगा? He would shoot her if she did not keep quiet. If she did not keep quiet. हो जाएगा? चौथा, calmly he warned her that be quiet else. ये सब कहाँ आएगा? यानी आपका आंसर हो जाएगा C. चार क्वेश्चन आपके हो गए, मिलाते चलिएगा. जहां पे कंफ्यूजन होगा मेरे से बोलिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. फिफ्थ क्वेश्चन, रिचा सेड टू हर फ्रेंड, इफ आई वर यू आई वुड नॉट केयर फॉर सच अ मैन. रिचा सेड टू हर फ्रेंड, इफ आई वर यू आई वुड नॉट केयर फॉर सच अ मैन. क्या होगा? रिचर्ड टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी शुड नॉट केयर फॉर सच अ मैन. रिचा एडवाइज्ड हर फ्रेंड नॉट टू केयर सच अ मैन. या फॉर रहेगा केयर फॉर सच अ मैन. रिचा आस्क्ड हर फ्रेंड इफ शी वर हर शुड वुड नॉट केयर फॉर सच अ मैन. या रिचा एडवाइज्ड हर फ्रेंड टू लीव. क्या सही? रिचा सेड टू हर फ्रेंड इफ आई वर यू आई वुड नॉट केयर फॉर सच अ मैन. देख लें, कर लिया आपने ए बी सी या डी, कौन सा चुना आपने? ए चुना आपने, रिचा टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी शुड नॉट केयर फॉर सच अ मैन. हो सकता था अगर ये ऑप्शन नहीं होता, ये बेहतर है. रिचा एडवाइज्ड हर फ्रेंड नॉट टू केयर फॉर, यहां फॉर रहेगा, नॉट टू केयर फॉर सच अ मैन. इसकी हिंदी समझे आप, रिचा सेड टू हर फ्रेंड, रिचा ने अपने दोस्त से कहा, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारे स्थान पे होती तो आई वुड नॉट केयर फॉर सच अ मैन, तो मैं ऐसे आदमी की परवाह नहीं करती. यानी रिचा ने एक तरह से अपने दोस्त को सुझाव दिया कि तुम्हें ऐसे आदमी की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं अगर तुम्हारे स्थान पे होती तो नहीं करती. यानी उसने उसे क्या दिया? सुझाव दिया कि उसे उसकी परवाह, उस आदमी की परवाह नहीं करनी चाहिए. तो रिचा एडवाइज्ड हर फ्रेंड नॉट टू केयर फॉर सच अ मैन. बी ऑप्शन हो जाएगा. सी आश्चर्य है, उसने पूछा तो था नहीं. रिचा एडवाइज हर फ्रेंड टू लीव हर, कोई मतलब नहीं इसका है. यानी बी ऑप्शन यहां बेस्ट होगा. वैसे मैंने कहा अगर ये बी नहीं होता तो ए ऑप्शन हो सकता था. सिक्स्थ प्रश्न पे आ गया. रवि सेड टू द मैनेजर लेट मी गो होम. ये तो आना चाहिए आपको. रवि सेड टू द मैनेजर लेट मी गो होम, कर लेंगे तुरंत आप. रवि रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू लेट हिम टू गो होम. रवि रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू अलाउ हिम टू गो होम. रवि आस्क्ड द मैनेजर टू अलाउ हिम गो होम. रवि ऑर्डर द मैनेजर टू लेट हिम गो होम. कौन सा बेस्ट ऑप्शन? ए बी सी या डी? दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जो चुनौतियों का डट करके सामना करते हैं. जो व्यक्ति ऑर्डिनरी इस जमाने में वो नहीं आगे जा पाए. तो अगर आपको जिंदगी में अलग करना है, कुछ लोगों से डिफरेंट होना है, तो आपको निश्चित ही हार्डवर्क भी करना होगा और तभी जिंदगी आपकी सफल भी होगी.
बोले। अगर आपने ए लिया है, रवि रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू लेट हिम टू गो होम, तो आपने गलत लिया है। यहां सब सही है, रवि रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू लेट हिम, बट लेट एक ऐसी वर्ब है दैट कैन नॉट यूज टू बिफोर वर्ब, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाए। रवि रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू अलाउ, आप जानते हैं लेट के स्थान पे आप टू अलाउ ले लें, टू अलाउ हिम टू, और अलाउ की क्या खासियत है, यह फुल इंफिनिटिव लेता है आपका, तो रवि रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू अलाउ हिम टू गो होम, सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। रवि आस्क्ड द मैनेजर टू अलाउ हिम, हो सकता था लेकिन यहां गो होम नहीं होगा, अलाउ के साथ फुल इंफिनिटिव आएगा। रवि ऑर्डर द मैनेजर टू, अब रवि उस मैनेजर को ऑर्डर कैसे देगा, मैनेजर तो मैनेजर है ना, ऑर्डर टू लेट हिम गो होम, और खुद कह रहा है मुझे घर जाने दो, तो कैसे कहेगा, यहां पे बी ऑप्शन आपका बेस्ट है। सेवन क्वेश्चन पे आ गया, द कैप्टन सेड टू द लेडी वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद मी, देख लें सारे ऑप्शन और फिर बताएं कौन सा होगा। द कैप्टन सेड टू द लेडी, कप्तान ने लेडी से कहा, वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद मी, क्या आप मेरे साथ डिनर लेना चाहेंगी, उसने उनसे पूछा कि क्या आप मेरे साथ डिनर लेना चाहेंगी। द कैप्टन इन्वाइटेड द लेडी टू हैव डिनर विद हिम, द कैप्टन आस्क्ड द लेडी, द कैप्टन आस्क्ड द लेडी इफ शी वुड लाइक टू हैव डिनर विद हिम, द कैप्टन सेड दैट द लेडी शुड टेक डिनर विद हिम, द कैप्टन इन्वाइटेड द लेडी दैट शी शुड कम टू डिनर, कौन सा बेस्ट है। देखिए मिलते जुलते तो नरेशन और वॉइस में सब होते हैं, आपको बेस्ट चूज करना होता है इनमें सबसे अच्छा कौन है, ये मेन चीज होती है, आप क्या चूज कर रहे हैं, ए चूज कर रहे हैं या बी चूज कर रहे हैं या सी या फाइनली डी। अगर आप ए चूज कर रहे हैं तो आप गलत, अगर आप ए चूज कर रहे हैं तो आप गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल यही होगा आंसर आपका, क्यों, क्योंकि इसका अर्थ समझे ना, द कैप्टन सेड टू द लेडी, कप्तान ने लेडी से कहा वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद मी, जो बच्चे इसे इंटरोगेटिव समझ रहे हैं वो बच्चे वुड यू लाइक से समझे ना, वुड यू लाइक या वुड यू माइंड या वुड यू प्लीज, ऑफर करने या रिक्वेस्ट करने का भाव होता है, तो उसने उसे ऑफर किया कि वो उसके साथ उसका निमंत्रण स्वीकार कर ले भोजन करने का, तो द कैप्टन इनवाइटेड द लेडी, उसने ऑफर किया, इनवाइट किया लेडी को टू हैव डिनर विद हिम, कि वो उसके साथ क्या करने, भोजन करें। अगर आपको लगता है सर बी क्यों नहीं हो सकता है, द कैप्टन आस्क्ड द लेडी, उसने उससे पूछा नहीं, उसे आमंत्रित किया कि प्लीज आप मेरे साथ डिनर ले ले आओ, दिस इज द रीजन यू कैन नॉट चूज सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है द कैप्टन सेड दैट द लेडी शुड टेक डिनर विद हिम, कि उस लेडी को उसके साथ डिनर लेना चाहिए, ये कोई आमंत्रण नहीं है, ये उसे कुछ सुझाव टाइप का लग रहा है। द कैप्टन इनवाइटेड द लेडी दैट शी शुड, इनवाइटेड के साथ दैट का प्रयोग आप कर नहीं सकते हैं, शुड कम टू डिनर ऑड है थोड़ा सा, यानी आपका बेस्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन, द कैप्टन इनवाइटेड द लेडी, जब आप वुड यू लाइक वर्क कर रहे हैं, वुड यू प्लीज कर रहे हैं, तो आप इनवाइट कर रहे हैं डिनर के लिए, इसलिए ए ऑप्शन आपका बेस्ट है, बस उस भाव के लिए उसने डिनर पर इनवाइट किया, इसलिए ए बेस्ट है आप। क्वेश्चन, शी सेड टू देम व्हाई नॉट स्टे टुडे हियर, देखें, शी सेड टू देम Why not stay today here? हिंदी है, उसने उनसे कहा Why not stay today here? आज यहां क्यों नहीं रुक जाते हो आप? She asked them Why not stay that day there? She suggested to them that they should stay that day there. She asked them that they should stay that day there. She advised them that they stayed that day there. ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के पैटर्न पे हैं, जो दिए गए हैं।
आपको आना ही चाहिए, और नहीं आ रहा तो भी घबराइए नहीं बाबू, आप मेहनत करिए आगे और हार्ड वर्क करिए और बेहतर करने की कोशिश करिए। इसके हिंदी मैंने बताई, शी सेड टू देम व्हाई नॉट स्टे टुडे हियर, आज क्यों नहीं रुक जाते हो आप यहां, क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, क्या क्या होगा, ए होगा क्या? She asked them why not stayed that day there. या बी होगा, She suggested to them that they should stay that day there. बिल्कुल यही होगा, बी ही होगा, ये सुझाव है। जब आपकी मम्मी आपसे ऐसे बोलती हैं, क्यों नहीं जाके नहा लेता है, तो आपको पूछ नहीं रही होती है, वो आपसे कह रही होती है, आपको सुझाव दे रही होती है कि आपको जाकर के नहा लेना चाहिए। तो उसने उनसे कहा व्हाई नॉट स्टे टुडे हियर, क्यों नहीं रुक जाते हो आप यहां पे, ये सुझाव है। अगर यहां पे ये होता क्वेश्चन व्हाई डू यू नॉट स्टे टुडे हियर, तो वो पूछ रही होती। जैसे व्हाई नॉट एक साथ आया और व्हाई नॉट के बाद सीधे वर्ब आ गई, ये आपको एक सजेशन शो करता है। तो सजेशन किसमें है, यहां पे है, She suggested to them. So this is the reason we'll have to choose this option, B option. Okay? जोड़ते जाएगा कितना आप सही कर रहे हैं आप, ठीक है ना? Nine. He said to me while I was singing, my brother was dancing. उसने मुझसे कहा while I was singing, जब मैं गा रहा था, my brother was dancing. तो मेरा भाई डांस कर रहा था, क्या पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। ही टोल्ड मी दैट व्हाइल ही वाज सिंगिंग हिज ब्रदर वाज डांसिंग, यानी जब वो गा रहा था उसका भाई डांस कर रहा था। ही टोल्ड मी दैट व्हाइल ही हैड बीन सिंगिंग माय ब्रदर हैड बीन डांसिंग। ही टोल्ड मी दैट While he was singing, his brother was dancing. He told me that while he was singing, his brother had been dancing. क्या बोला? कौन सा इसमें best है? मुझे लगता है दो options एक हैं आपके. He told me that while he was singing, his brother was dancing. He told me that while he was singing, his brother was dancing. एक ही समझ लीजिएगा, आप ए बी और डी में से चूज कर लीजिएगा, सी को हटा देते हैं, एक ही ऑप्शन था। तो ही टोल्ड मी दैट व्हाइल ही वाज सिंगिंग हिज ब्रदर वाज डांसिंग, या ही टोल्ड मी दैट व्हाइल ही हैड बीन सिंगिंग माय ब्रदर हैड बीन डांसिंग, या ही टोल्ड मी दैट व्हाइल ही वाज सिंगिंग हिज ब्रदर हैड बीन डांसिंग। कौन सा सही चूज किया आपने, ए बी या डी, कौन सा सही है? ए चूज किया। अगर आपने ए चूज किया है तो आपने गलत नहीं चूज किया है, सही चूज किया है आपने। क्यों? क्योंकि जहां पे कोई टाइम कंजंक्शन होती है, व्हाइल हो, व्हेन हो, एज सून एज वगैरह हो, उस क्लास के या अगली क्लास के टेंस में हम परिवर्तन नहीं करते हैं, और ये दोनों पैरेलल एक्शंस। जब मैं गा रहा था मेरा भाई डांस कर रहा, जब एक्शन पैरेलल होते हैं या अनकंप्लीटेड होते हैं तो आप उनके टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। He said to me, यानी उसने मुझसे कहा, तो he told me that हो गया why, अब यहां टेंस ना बदलो आप, while he was singing his brother was dancing, कोई टेंस नहीं बदलेगा, सही है आपका, यानी ए ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन। अगर मन में आ रहा क्यों ऐसा हुआ, वाइल की वजह से, ये वाइल है। ऐसे वेन से अगर कोई क्लास शुरू हो रही है, कोई क्लास आपकी आफ्टर बिफोर से हो रही है, तो वहां पे आप टेंस का परिवर्तन ना करें आप, ये रूल है आपका। हम लोग के टीचर्स ने हमको क्या पढ़ाया कि जहां पे यूनिवर्सल फैक्ट होता है, जहां पर कोई हैबिट होती है, जहां पर कोई प्रोवर्ब होता है, या जहां पर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, उनके टेंस में परिवर्तन नहीं करते। बट आधा पढ़ाया, इसके अलावा जहां पर अनकंप्लीटेड एक्शन है वहां भी परिवर्तन नहीं करते हैं, जहां पर कोई मोरालिटी है वहां भी परिवर्तन नहीं करते हैं,
जहां पे अनरियल पास्ट है वहां पे भी परिवर्तन नहीं करते हैं, जहां पे इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम या आई विश दिया गया हो तो उसके आगे वाली क्लास में भी परिवर्तन नहीं करते हैं, जहां पे यूज टू का प्रयोग हो, जहां पे डेयर नॉट का प्रयोग हो, जहां पे हैड बेटर का प्रयोग है, जहां पर शुड कुड वुड माइट इनका प्रयोग है वहां भी आप परिवर्तन नहीं करते हैं, और जहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में ऑलवेज या नेवर के द्वारा कोई आदत दिखाई जाती वहां भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहां वही क्लास है, व्हाइल टाइम क्लास है आपकी, टाइम क्लास में भी आप परिवर्तन नहीं करते हैं आप। ओके, टेंथ, शी सेड इफ आई एम सेलेक्टेड आई नीड नॉट स्टडी फर्दर, यदि मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो आगे मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। She said that if she is selected, she would not have to study further. She said that if she was selected, she will not have to study further. She said that if she was selected, she need not study further. Yeah, she said that if she was selected, she would not have to study further. कौन सा सही है, ए बी सी या डी? देख लें आप सारे ऑप्शन, देखें बताएं ए बी सी या डी ऑप्शन। ओके, क्या चूज किया आपने, ए ऑप्शन, शी सेड दैट इफ शी इज, नहीं होगा ना, शी सेड दैट इफ शी वाज सेलेक्टेड, she will not, नहीं होगा, she said that if she was selected she need not study further, नहीं होगा, she said that she if she was selected she would not have to study further, d option होगा। आप कहेंगे d option कैसे हो सकता, need not study further, मुझे आगे और नहीं पढ़ना पड़ेगा, कब, जब भविष्य में मेरा सिलेक्शन हो जाए, ये भी फ्यूचर टाइम को दिखा रहे, तो मुझे भविष्य में नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विल हैव टू वाला भाव है, अगर विल हैव टू वाला भाव है तो नीड नॉट के द्वारा न बनाए, वुड नॉट हैव टू के द्वारा बनाए, ये बेस्ट ऑप्शन है। शी सेड दैट शी वाज इफ शी वाज सेलेक्टेड शी वुड नॉट हैव टू स्टडी फर्दर, ये फर्दर बता रहा है कि शी इज नॉट टॉकिंग ऑफ द प्रेजेंट, she is talking of the present when she will be selected, जब उसका चुनाव हो जाएगा, selection हो जाएगा, तब की वो बात कर रही है, तब उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद करें उसे आना पड़ेगा, he will have to come, वैसे यहां पर भी D option best होगा आपका। 11th question आ गया आपका, the boy said to his mother, father had left before he reached home. Father had left before he reached home. यानी लड़की ने अपनी माँ से कहा कि जब मैं घर पहुंचा उसके पहले पिताजी चले गए थे। The boy told his mother that father had left before he had reached home. The boy told his mother that father left before he reached home. Yeah, the boy told his mother that father had left before he reached home. Yeah, the boy informed his mother that father left home before he reached home. कौन सा सही? A, B, C या D? चैलेंज लें अपना, स्वीकार करें इसे कि हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपका आंसर A नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि the boy told his mother that father had left, ये सही है, before he had reached home. उसने किया क्या, उसने बिफोर के बाद वाली क्लास का टेंस परिवर्तित कर दिया, जबकि मैंने कहा था आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हाइल, एज सून एज, जैसे टाइम कंजंक्शंस की क्लास को परिवर्तित नहीं करते हैं, तो बिफोर ही रीच्ड होम नहीं बदलेगा। और ये पहले से कौन से टेंस में, पास्ट परफेक्ट में है, आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर ये सब चीजें सीखनी होंगी तो आगे मेरी नरेशन की क्लासेस में लूंगा, वहां आराम से पढ़िएगा, जल्दी ही मैं ऐसी कोशिश करूंगा जहां ये सारे टॉपिक्स मैं धीरे धीरे क्लियर करूंगा।
दूसरा क्यों नहीं होगा? द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट फादर लेफ्ट. फादर लेफ्ट कहां है? फादर हैड लेफ्ट है. नहीं होगा. द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट फादर हैड लेफ्ट. सही है. बिफोर ही रीच्ड होम. बिफोर ही रीच्ड होम. सही ना? नहीं बदला गया. यानी सी ऑप्शन हो जाएगा. डी ऑप्शन भी नहीं होगा आपका. ट्वेल्थ पे आ गया. द डायरेक्टर सेड व्हाट अ गुड डांस मोहिनी यू हैव वन द कॉन्टेस्ट. डायरेक्टर ने कहा व्हाट अ गुड डांस मोहिनी. क्या डांस है मोहिनी. यू हैव वन द कॉन्टेस्ट. तुमने ये प्रतियोगिता जीत ली. क्या होगा? द डायरेक्टर रिमार्क विद सारो दैट मोहिनी हैड डांस्ड वेल एंड डिक्लेयर्ड दैट शी हैड वन द कॉन्टेस्ट. द डायरेक्टर रिमार्क विद अप्रिसिएशन दैट मोहिनी हैड डांस्ड वेल एंड डिक्लेयर्ड दैट शी हैड वन द कॉन्टेस्ट. द डायरेक्टर अप्लॉडेड मोहिनी सेइंग दैट She has danced well and declared that she has won the contest. Yeah, the director said that Mohini's dance was very good. Kaun sa sahi? A, B, C ya D? Challenging hai nahi sab. Aise questions aap karein jinmein aapko mehnat karni pade taki aage kisi bhi level pe aap behtar performance kar sakein. आपका आंसर ए नहीं होगा क्योंकि द डायरेक्टर रिमार्क विद सारो है और ये पॉजिटिव सेंस है, नेगेटिव नहीं है क्योंकि वो कंटेस्ट जीत रही है तो सारो कैसे हुआ. ए को हटा देते हैं. द डायरेक्टर रिमार्क विद अप्रिसिएशन. पढ़ा हुआ आपने रिमार्क विद अप्रिसिएशन या एक्सक्लेम विद अप्रिसिएशन क्या होते हैं. जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं वही सेंस था ना. तो द डायरेक्टर रिमार्क विद अप्रिसिएशन दैट मोहिनी हैड डांस्ड वेल. सही है. एंड डिक्लेयर और फिर घोषित किया दैट कि शी हैड वन द कंटेस्ट. सही है. बी ही होगा. सी क्यों नहीं होगा. द डायरेक्टर अप्लॉडेड मोहिनी. सही है. सेइंग दैट. सही है. शी हैज. ये हैज ने इसका गुड़गोबर कर दिया कि हैज नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये पास्ट में आना आया. डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कंटेस्ट वगैरह का कोई जिक्र ही नहीं है कि उसने उस कंटेस्ट को विन कर लिया, जीत लिया. दिस इज रीजन यू कैन नॉट चूज डी, यू कैन नॉट चूज सी, यू कैन नॉट चूज इवन ए. यू विल हैव टू चूज बी ऑप्शन. द डायरेक्टर रिमार्क विद अप्रिसिएशन बारहवें का बी ऑप्शन हो जाए. थर्टींथ आ गया. नरेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका. ही सेड लेट इट रेन एवर सो हार्ड I will go today. बढ़िया क्वेश्चन है. इस लेवल पे प्रिपरेशन करो आप अपने ताकि आगे हर एग्जाम में आपके काम आ जाए. प्री निकाल लेना बहादुरी नहीं. मेंस लेवल पे भी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए आपके. He said, let it rain ever so hard. कितनी भी तेज बारिश हो I will go today. आज मैं जाऊंगा. ऐसा कहा उसने. He said that, let it rain hard. He would go that day होगा. या he said that he would go that day, let it rain so hard. या he said that even if it rained hard, he would go that day. या he said that he would go that day, though it rains hard. कर लेना चाहिए आपको. क्लूज के भरोसे कर लेंगे आप. क्या चूज कर रहे हैं? ए चूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं. बी कर रहे हैं? ये भी नहीं कर रहे. कर रहे हैं? सी ये कर रहे हैं? यही करिएगा और कोई नहीं करिएगा. पहला क्यों नहीं होगा? He said that let it rain hard. Let it rain hard, he would go there. इसमें वो emphasis नहीं है जो वो कहना चाह रहा है कि चाहे कितनी भी तेज बारिश हो वो आज जाएगा. चाहे कितनी भी तेज बारिश हो ये सेंस यहां नहीं है. इसका सेंस नॉर्मल हो जा रहा है. He said that he would go that day, let it rain so hard. फिर भाई आप कहें. He said उसने कहा that he even if it rained hard, कितनी भी तेज भले ही कितनी तेज बारिश हो he would go that day. यही होगा. डी में भी कोई emphasis नहीं आता है. आपको स्ट्रेस देना है, emphasize करना है. आप जान लें जब लेट इट रेन एवर सो हार्ड है
तो आप एवर सो को एलिमिनेट कर दो और एवर सो को हटाकर वाक्य के आरंभ में इवन दो या इवन इफ ले लें और टेंस बदल लें आप अपना। तो ही सेड हो गया दैट और एवर सो के स्थान पे इवन इफ हो गया। तो ही सेड दैट इवन इफ, अब इसका टेंस बदल दें, इवन इफ इट रेन्ड हार्ड हो गया, इट रेन्ड हार्ड ही वुड गो दैट डे, सी ऑप्शन हो जाए। एक्टिव एंड पैसिव वॉश कर लेना चाहिए आपको। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन हैव डन दिस टू पैसिफाई मॉब, यानी जेंट्री ऑफ द टाउन जो इस नगर की जेंट्री है, उच्च वर्ग के लोग हैं, उन्होंने यह किया है टू पैसिफाई मॉब, मॉब को उपद्रवी भीड़ को पैसिफाई करने के लिए, शांत करने के लिए। क्या गलत, मतलब क्या सही इसमें है? The gentry of the town had to be done pacify mob. This has to be done by the gentry of this town to pacify mob. This has been done by the gentry of the town to pacify mob. Yeah, this was done by the gentry of this town to pacify mob. कौन सा सही? Clues पकड़ें, आप कर लेंगे आप, बहुत इजी होगा आपके लिए। क्या ले रहे हैं? ए न लीजिएगा, गलत। द जेंट्री ऑफ द टाउन हैव टू, यहां तो हैव है, हैव डन, तो पैसिव जब भी बनेगा हैज बीन, हैव बीन के द्वारा बनेगा, तो हैव टू बी कैसे होगा? दिस हैज टू बी, हैज टू बी कब होता? जब यहां हैव टू होता था, जो कि नहीं है। This has been, यही क्लू है आपका कि सी होगा, डी देखने की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि डी में वाज डन है, होगा ही नहीं, सी ऑप्शन हो जाएगा और ये तो आना ही चाहिए था आपको। 15, ये क्वेश्चन बहुत बार हर तरह के वॉइस के क्वेश्चंस में आपको हर एग्जाम में दिया जाता है, करीब करीब सेम क्वेश्चन आपको दिया जाता है। आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम, ये देख लें। आई रिमेंबर, मुझे याद आता है, माई सिस्टर कि मेरी बहन टेकिंग मी टू द म्यूजियम, मुझे लेकर म्यूजियम जा रही थी। क्या हुआ? आई रिमेंबर टेकिंग टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर, आई रिमेंबर मी बीइंग टेकन, आई रिमेंबर मी व्हाट है, आई रिमेंबर आई वॉज टेकन टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर, या आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर। आसान है, कर सकते हैं आप में से, जो भी बच्चे अनसॉल्व पेपर सॉल्व करते हैं उन्हें तो हर हाल में आएगा। कर लिया आपने? ए किया, आई रिमेंबर टेकन टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर, नहीं होगा। आई रिमेंबर मी तो हो ही नहीं सकता कभी, क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद वही ऑब्जेक्ट कभी आ ही नहीं सकता है जो उसका सब्जेक्ट। अगर यहां पे माई सेल्फ होता रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आप सोच सकते थे। आई रिमेंबर आई वॉज टेकन टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर, हो सकता था तब जब ये पास्ट इंडेफिनिट होता तब। ये टेकिंग बता रहा है कि आपको कंटिन्यूअस सेंस में लेना है, और अगर ये कंटिन्यूअस सेंस में आप ले रहे हैं तो आपको बीइंग जोड़ना है, और बीइंग कहां है? ठीक है ना, आई रिमेंबर being taken to the museum by my sister, मुझे याद आता है being taken कि मुझे ले जाया जा रहा था to the museum, museum में by my sister, मेरी बहन के द्वारा, यानी D option हो जाए। नंबर में इट इज टाइम टू कॉल ऑल द बॉयज हु हैव डन this nice job, it is time to call all the boys who have done this nice job. Abhi is tarike ka question aapke paper mein aaya hua tha, agar aapne diya ho same question kare kare aaya hua tha, ye alag se joda gaya tha, sirf aapko thoda sa typical karne ke liye ki aap complication mehsoos karega. To agar keval itna hota it is time to call all the boys to aap aaram se kar lete. Maine kaha na challenging, आपकी सोच पर आधारित है कि आप कितना सोच सकते हैं। आप
It is time to call all the boys who have done this nice job. It is time for all the boys to be called who have done this nice job. Yeah, it is time for all the boys to be called by whom this nice job has been done. Yeah, it is time for all the boys to be called by whom has this job been done. Yeah, it was time. It was time to nahi hoga. D option nahi ho sakta kyunki narration hai. Ye voice hai, narration nahi hai. Kaun sa hoga? A, B ya C? देखिए ए बी या सी कौन सा होगा. डी का तो हटा दीजिए, इट वाज होगा. यहां ए होगा क्या? इट इज टाइम फॉर ऑल द बॉयज टू बी कॉल्ड हु हैव डन दिस नाइस जॉब. ये नहीं होगा. ये पोर्शन सही आपका है. इट इज टाइम फॉर ऑल द बॉयज. आपको अगर रूल पढ़ाया गया पढ़े हो आप, तो इट इज टाइम लेते हैं, फॉर प्लस नाउन लेते हैं. तो इट इज टाइम फॉर प्लस नाउन, तो इट इज टाइम फॉर ऑल द बॉयज. फिर इन्फिनिटिव पैसिव यूज करते हैं, तो इट इज टाइम फॉर ऑल द बॉयज टू बी कॉल्ड. सही है. फिर हमारे पास एक और क्लास है, हु हैव डन दिस नाइस जॉब. इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट. यानी ये भी तो पैसिव बनेगा आपका. तो इट इज टाइम फॉर ऑल द बॉयज टू बी कॉल्ड हु हैव, ये तो वही उतार दिया गया है. ए नहीं हो सकता है. बी देखते हैं. It is time for all the boys to be called. सही है. By whom है ना? Who have done this nice job? तो by whom this nice job has been done? सही ना? By whom this nice job has been done? ये passive voice है, इसलिए सही है. यहाँ जरूरत नहीं है. It is time for all the boys to be called. By whom has? जैसे by whom के बाद आपने has लिया, फिर आपने दिस नाइस जॉब लिया, दिस जॉब लिया, आप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं, गलत होगा. आपको असर्टिव का स्ट्रक्चर लेना है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा. 18th क्वेश्चन आपके साथ है. आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत टिपिकल भी है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है. आप आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा If he had completed his work, कि क्या उसका कार्य समाप्त हो गया. He was asked if his work had been completed. He was asked if he completed his work. He was asked by me if his work had been completed. या he was asked if he had completed his work. कौन सा लेना चाहेंगे? A, B, C या D? रियल टेस्ट है आपके ग्रामर नॉलेज का, आपका रियल टेस्ट है. जिन्होंने वॉइस में हार्ड वर्क किया होगा वही ये कर सकते हैं. मॉडरेट लेवल पे बहुत सारे टीचर्स जो मॉडरेट लेवल पे पढ़ाते हैं वो नहीं कर पाएंगे इसको. इसे वही कर पाएगा जिसने हायर लेवल पे अच्छी किताबों का अध्ययन किया हो. क्यों? क्योंकि ए नहीं होगा. ही वॉज आस्क्ड इफ His work has had been completed. नहीं होगा, क्योंकि जब आप आश्रित वर्ब का प्रयोग करते हैं तो फिर जो अगली वर्ब है, अगली क्लास है, उस क्लास को कभी भी कन्वर्ट नहीं करते हैं पैसे में. वो हूबहू वैसे ही रख दी जाती है. यहां तो बदला गया है ना. नहीं होगा. He was asked if he completed his work. यहां पे if he had completed है, तो बी भी नहीं होगा. He was asked by me if his work had been completed. बदला गया यहां पे. ये भी नहीं होगा. B होगा. He was asked. सही है. If सही है. He had completed his work. He had completed his work. यानी D option होगा, क्योंकि asked वाली क्लास के बाद जो क्लास होती है, अगर asked के साथ If या whether की क्लास है, तो if या whether वाली क्लास में कभी पैसिव नहीं लेते हैं, वो एक्टिव स्ट्रक्चर में ही दिया जाता है. तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाए. फिर से देखें. आई आस्क्ड हिम, आस्क्ड है और फिर यहां इफ है ना. ये आस्क्ड और उसके बाद इफ या whether आपको फोर्स करेंगे कि आप इसके बाद की क्लास का पैसिव न बनाएं. यहां पर बनाया गया है, यहां पर वो हेड गायब है, यहां पे भी बनाया गया है,
केवल यहां नहीं बनाया गया है, तो डी ऑप्शन हो जाए। 19th क्वेश्चन पे आ गया, हु नोज हु हैज डिस्ट्रॉयड हिज प्रॉपर्टी, कौन जानता है कि उसकी संपत्ति को किसने नष्ट कर दिया। By whom it is known who has destroyed his property? या by whom is it known by whom has this property been destroyed? To whom it is known by whom has this property been destroyed? या to whom is it known by whom his property has been destroyed? A, B, C या D? ये भी आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको लेवल पे। आप हर टीचर ने आपको कहीं कहीं ये पढ़ाया होगा या आपने सॉल्व किया होगा इसे। क्या लेना चाहेंगे आप? बाई हु लेंगे? नहीं लीजिएगा, क्योंकि हु नोज है। आप जानते हैं जहां पे नो और ओवलाइज का प्रयोग किया जाता है वहां पे बाई नहीं लगता है, तो बाई हु बी एलिमिनेट कर दीजिए, दोनों हटा देते। सी टू हो सही है, टू होम यानी कि जब नो का प्रयोग किया गया वर्ब के रूप में तो आप प्रीपोजिशन के रूप में बाई नहीं टू लेते हैं, तो टू को पहले कर लेगा, टू होम इट इज नो, लेकिन ये गलत है क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क बता रहा है कि ये इंटरोगेटिव है, तो टू होम के बाद सीधे इट नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसलिए लास्ट सही है, टू होम इज इट नो। और दूसरी क्लास को भी देखिए, बाई होम पैसे बनाया गया, By whom फिर सब्जेक्ट ले लिया गया क्योंकि बाद में कभी इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर नहीं होता बीच में, तो by whom his property has been होगा ना, who has been destroyed। इस लेवल पे क्वेश्चंस करेंगे तब आप कहेंगे हम कुछ अलग कर सकते हैं। Okay, let's go ahead। 20th question। 20 members comprise this committee. 20 members comprise this committee. ये क्रॉस करके सब मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपकी कहीं कहीं इस लेवल पे हेल्प कर सकता हूं। ये सारी क्वेश्चन, ये वीडियो रहेगी आपके पास में, आप फिर से इसे देखिएगा और मेहनत करिएगा। इस लेवल पे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो निश्चित ही आप विश्वास करें आगे चल के कभी भी किसी कॉम्प्लिकेशन का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। यही मेरा उद्देश्य भी है, यही मकसद मेरा है कि आप लेवल करें। जब बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं तो आप कहें कि शायद ये कॉन्फिडेंस लेवल बना लेते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, क्योंकि इस लेवल पे क्वेश्चन आना चाहिए ना कि नॉर्मल लेवल पे, ऑर्डिनरी लेवल पे आना चाहिए आप। ओके, लेट्स सी। 20 मेंबर्स कंप्राइज दिस कमिटी, यानी 20 सदस्य कंप्राइज दिस कमिटी, इस कमिटी में शामिल है, यानी 20 सदस्य शामिल है इस कमिटी में। This committee is comprised by 20 members. This committee is comprised of 20 members. This committee is comprised with 20 members. The 20 members are comprised of this committee. कौन सा सही है? A, B, C या D? देख लें क्या चूज कर रहे हैं। A, ज्यादातर बच्चे आपने ए को चूज करेंगे, लेकिन ये वही बच्चे होंगे जिन्होंने लेवल पे वॉइस का अध्ययन नहीं किया होगा। अगर आपने लेवल पे किया होगा तो आपके टीचर ने जरूर बताया होगा कि कंप्राइज के साथ बाई नहीं आता, कंप्राइज के साथ आप ये ना पढ़ाया मैंने, याद करें। तो दिस कमिटी इज कंप्राइज ऑफ 20 मेंबर्स, नॉट बाई और नॉट विद, और ये तो उल्टा ही है, होगा नहीं आपका, यानी बी ऑप्शन हो जाए। 21st क्वेश्चन पे आ गया, द मैन लाइक्स द चिल्ड्रेन टू डू सम नाइस वर्क। ये क्वेश्चंस मैंने आपको एमबी पब्लिकेशन, आरिस अग्रवाल और एसपी बक्सी की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश है वहां से सब मिला करके आपको दिया है, जो एग्जाम्स के पर्पज से दिए गए हैं। आप बोले द मैन लाइक्स हिज चिल्ड्रेन, यानी वो आदमी चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं टू डू सम नाइस वर्क, कुछ अच्छा कार्य करें, नाइस जॉब करें। द मैन इज लाइक्ड बाय हिज चिल्ड्रेन टू डू सम नाइस वर्क, द मैन इज लाइक्ड बाय हिज चिल्ड्रेन टू बी डन सम नाइस वर्क, द मैन लाइक्स टू बी डन सम नाइस वर्क बाय हिज चिल्ड्रेन, द मैन लाइक्स सम नाइस वर्क टू बी डन बाय हिज चिल्ड्रेन।
कौन सा सही, ए बी सी या डी, प्रूफ करें आप। मैंने कहा हुआ है अगर आप 25 के 25, वैसे 25 नहीं 24 प्रश्न है क्योंकि था ही नहीं इसमें, तो अगर आप 24 आउट ऑफ 24 कर लेते हैं तो आप किसी दिन कह सकते हैं किसी से कि आप चैलेंज को स्वीकार करने की पोजीशन में हैं। और आगे ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस मैं और भी देता रहूंगा क्योंकि मैं नॉर्मल लेवल पे नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने। आप ऐसा तभी आप कर पाएंगे यदि आप इन लेवल पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब आप कर पाएंगे। ओके लेट्स सी, द मैन लाइक्स हिज चिल्ड्रन टू डू सम नाइस वर्क, ये चूज करेंगे क्या, द मैन इज लाइक बाय हिज चिल्ड्रन, कभी नहीं होगा। बी भी नहीं होगा, द मैन इज लाइक बाय चिल्ड्रन, द मैन लाइक्स टू बी डन, आदमी को नहीं किया जा रहा है, सी भी नहीं होगा, डी हो जाएगा। प्रश्न डी क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहले आप इसे समझें। द मैन लाइक्स ने आदमी को पसंद है, क्या पसंद है, हिज चिल्ड्रन टू डू सम नाइस वर्क, तो उसके बच्चे कुछ अच्छा काम करें, यानी आदमी पसंद करता है कि कुछ अच्छा कार्य किया जाए उसके बच्चों के द्वारा। द मैन लाइक्स, आदमी को पसंद है सम नाइस वर्क, कि कुछ अच्छा कार्य टू बी डन किया जाए बाय हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चों के द्वारा। जो बच्चे इलाहाबाद में या यहां पर मेरे से पढ़े होंगे उन बच्चों को याद होगा मैंने एक सेंटेंस कराया था, द ऑफिसर वांट्स हिज सबॉर्डिनेट्स टू ओबे हिम, ऐसे ही ये आपको दिया है। 22nd क्वेश्चन आपके सामने, वी सॉ हिम लीविंग द हाउस, हर एग्जाम में करीब करीब ये दिया जाता है, करीब करीब सेम सेंटेंस आपका, क्या सही है, द हाउस He was seen leaving the house. He was seen to me. He was seen when he has been leaving the house. Yeah, leaving the house was seen by me. पहले हाँ जोड़ लें, leaving the house ही रहेगा. He was seen by me. और यहां भी एक शब्द जोड़े आप, यहां पे leaving जोड़िएगा. Leaving the house, he was seen रहेगा. यहां पे है लिविंग द हाउस ही वॉज सीन, और यहां पर है लिविंग द हाउस ही वॉज सीन बाय मी, कौन सा सही होगा, लिविंग द हाउस ही वॉज सीन टू मी, ही वॉज सीन व्हेन ही हैज बीन लिविंग द हाउस, सी तो कतई नहीं होगा, हटा दें। तीन में से चूज करना है, लिविंग द हाउस ही वॉज सीन, He was leaving the house. He was seen to me. Yeah, leaving the house. He was seen by me. Yeah, he rahega. Leaving the house. He was seen by me. Kaun sa? B bhi nahi hoga. Kyunki leaving the house. He was seen to me. Nahi. Passive action. To kaise aayega? Inhi do mein se ek hoga. Leaving the house. He was seen. Yeah, leaving the house. He was seen by me. Kaun sa best rahega? बेस्ट कौन सा रहेगा, ये या ये, वी सॉ हिम लीविंग द हाउस, अगर आप बी चूज करना चाह रहे हो ना करिएगा, तो वैसे भी यहां मी है और यहां वी है, और आप पढ़े होंगे जहां पर वी दे यू पीपल समबडी वर्ड दिया गया होता है, नॉर्मली उन पर फोकस नहीं होता, मेन चीज क्या है, हमने उसे देखा घर छोड़कर जाते हुए, यानी उसे घर छोड़कर जाते हुए देखा गया, लिविंग द हाउस यानी घर छोड़कर जाते हुए ही वॉज सीन, वह देखा गया, ए ऑप्शन चूज करेगा न कि डे ऑप्शन चूज करेगा, अगर यहां बाई अस होता तो सोचा जाता, लेकिन तब भी ये बेस्ट होता, लिविंग द हाउस ही वॉज सीन। ओके और ये लास्ट प्रश्न है आपका वॉइस का, I don't like people keeping me waiting. मैं फिर कहूंगा ये सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जिन बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही हो फ्रस्ट्रेट ना हो वो और अधिक मेहनत करने की कोशिश करें, इन लेवल्स पे अपने टीचर से पढ़ें, अगर वो वॉयस पढ़ते हैं तो हर हाल में आपकी मदद होगी, ये टीचर चाहेंगे तो हर हाल में आपको इन लेवल्स पे आपको पढ़ाएंगे जो कि कंपटीशन में आपके काम आएंगे, और आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो आई डोंट लाइक पीपल कीपिंग मी वेटिंग, मैं नहीं पसंद करता ऐसे लोगों को जो मुझसे इंतजार करवाते हैं। आई एम नॉट लाइक टू बी केप्ट वेटिंग, आई एम नॉट लाइक,
I am not like to be kept waiting by people. I am not like. I don't like being kept waiting. Yeah, I don't like being kept waiting by people. कौन सा लेंगे? A, B, C या D? अपना जोड़ते भी रहिएगा कितने क्वेश्चंस आप सही कर रहे हैं आप. I am not liked to be kept waiting. नहीं होगा. I am not liked to be kept. नहीं होगा. जब भी होगा नहीं दोनों में से. और इन दोनों में से भी D नहीं होगा, C होगा. क्योंकि आप जानते हैं by people लेने का कोई तुक नहीं है. जैसे आप बोलते हैं ना people speak English all over the world. तो आप ऐसे नहीं लिखते हैं all over the world English is spoken by people या English is spoken all over the world by people. लिखते हैं क्या by people? नहीं लिखते हैं. आप इसे इग्नोर करते हैं. आप तो C ऑप्शन होगा. I don't like being kept waiting. अगर मैंने अक्सर being वाले क्यों ले रहे हैं? पहले I don't like, मैं नहीं पसंद करता. क्या? People, ऐसे लोगों को जो मुझे इंतजार करवाते हैं. नहीं, I don't like, मुझे पसंद नहीं है being kept waiting, इंतजार करवाया जाना. आप जानते हैं kept के बाद हमेशा ing form आते हैं. being kept क्यों है? क्योंकि यहां keeping यहां लिखा है, इसीलिए आपने being kept का प्रयोग किया. 24 है आपका. PQR is आपका है. सेंटेंस अरेंजमेंट देख ले. फर्स्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द प्रेस. प्रेस की जो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है. बट एट द सेम टाइम, लेकिन इसके साथ साथ सच एज साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एटसेट्रा एंड इट शुड फर्निश अनकलर्ड न्यूज. इट शुड फर्निश न्यूज ऑन ऑल फैक्ट्स. द न्यूज शुड नॉट बी सप्रेस्ड. कर लेंगे आप. जो भी बच्चा धीरे धीरे सब्जेक्ट वर्ब वगैरह समझने लगा है, इंसिडेंट्स या इवेंट्स को कनेक्ट करने लगा है, उसके लिए कहीं कहीं अब धीरे धीरे पीक्यूआरएस आसान हो रहा हो. और ये देखिए मैं हर स्टेप में एक दो दे रहा हूं एक कुछ बच्चों के सुझाव पे, जिनका ये है कि आप पीक्यूआरएस रेगुलर दीजिए क्योंकि जरूरी है. ऐसे धीरे धीरे क्लोज टेस्ट को भी कॉमन कर दूंगा और आसान हो जाएगा आपके लिए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द प्रेस, ये तो रहेगा ही. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द प्रेस क्या लेंगे आप? ए, बी, सी या डी? जो भी बच्चे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझते हैं उनके लिए बिल्कुल आसान है. ये मैंने एमबी पब्लिकेशन दिया है आपको, यानी हर हाल में आया हुआ क्वेश्चन आपका है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द प्रेस के बाद क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द प्रेस बट एट द सेम टाइम. सर इसकी वर्ब कहां है? अभी आई नहीं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द प्रेस सच एज साइंस, इकोनॉमिक्स, प्रेस वगैरह के इससे रिलेशन कहां है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द प्रेस इज, यानी प्रेस का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कर्तव्य है इज टू फर्निश अनकलर्ड न्यूज. यानी जब भी आएगा आर पहले आए, जल्दीबाजी काम करें. चारों ऑप्शंस में जाएं और देखें चारों ऑप्शंस में से कौन सा है. पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर है ना? यही ना है आर. अब जल्दीबाजी ना करके मिला ले एक बार और कि आर के बाद पी आ रहा है. चलिए मिलाते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द प्रेस इज टू फर्निश अनकलर्ड न्यूज बट एट द सेम टाइम. यानी प्रेस का जो पहला और मुख्य कर्तव्य है इज टू फर्निश अनकलर्ड न्यूज. वो अनकलर्ड न्यूज यानी ऐसी खबरों को भी देना है जो खबरें कलरफुल ना हो बट एट द सेम टाइम. लेकिन इसके साथ साथ क्या? एट द सेम टाइम इट शुड फर्निश न्यूज ऑन ऑल फ्रेंड्स. इसे हर क्षेत्र में खबरें प्रदान करनी चाहिए. यानी सी ऑप्शन आपका बेस्ट हो जाएगा. समझ लेंगे आप. फिर से देखिएगा वीडियो को, आप और बेहतर कर पाए. जब आप कोई चीज पहली बार सॉल्व करते हैं तो आपको कम समझ में आता है, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है जब वही चीज आप दूसरी तीसरी बार चौथी बार सॉल्व करते हैं वो चीज आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाता है. तो आप भी तो यही चाहेंगे ना, चीजें आसान हो. इससे नहीं फर्क पड़ता है कि आपने क्या पढ़ा है, इससे फर्क पड़ता है कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना आया है और कितना आने के लिए, कितना समझ में आने के लिए एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ना पड़ता है. आप इस फंडा को, इस मंत्रा को समझ जाएंगे तो हर हाल में आप सफल हो जाएंगे. और यही सक्सेस टू की हो जाएगा कि रिवीजन करें, देखें, बार बार तैयार करें, तब आ जाए. लास्ट प्रश्न आपके सामने,
एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ हबीब तनवेश नाम है ये. एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ हबीब तनवेश ही वुड फिट एंड ब्लेंड. ब्लेंड मीन्स ब्लेंड कर देना, मिला देना. ही वुड फिट एंड ब्लेंड हिज पोएट्री टू द ट्रेडिशनल फोक एंड ट्राइबल म्यूजिक इन अ वे दैट अलाउज द फार्मर टू रिटेन इट्स ओन इमेजिनेटिव non-exploitative approach is the way in which rhetorical power and socio-political importance but without devaluing the land. कुछ बच्चे इसका अर्थ नहीं समझ पा रहे होंगे. An excellent example of Habib Tanveer. Habib Tanveer का सबसे जो excellent example है वो क्या है? He would fit, कि वो fit कर देते हैं and blend his poetry और अपनी poetry को blend कर देते हैं, मिला देते हैं किसके साथ? To, देखिए blend to the traditional folk यानी जो पारंपरिक लोकगीत है and और tribal music और जो tribal music है यानी जनजातियों का संगीत है उन्हें वो blend कर देते हैं. इतने से भी आप समझ सकते हैं कि जब भी आएगा P के बाद Q ही आएगा. इन अ वे और इस तरीके से मिश्रित करते हैं वो दैट अलाउज द फार्मर टू रिटेन इट्स ओन इमेजिनेटिव जिसकी वजह से जो पहले वाला यानी जो ट्रेडिशनल फोक है वो रिटेन इट्स ओन इमेजिनेटिव वो अपना जो काल्पनिक है वो चीज जोड़े रखता है, बनाए रखता है, रिटेन किए रखता है. इतने समझ जाएंगे आप कि पी के बाद क्यू आना है. ठीक है, पी के बाद क्यू नहीं, पी के बाद क्यों नहीं, पी के बाद क्यों नहीं, पी के बाद क्यों. अब ये कह रहा है कि आर पहले आएगा, देखिए मिलाएंगे मिल जाएगा. एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ हबीब तनवीर नॉन एक्सप्लोइटेटिव अप्रोच. नॉन एक्सप्लोइटेटिव मीन्स जो शोषणकारी न होता है वो नॉन एक्सप्लोइटेटिव होता है. तो नॉन एक्सप्लोइटेटिव अप्रोच इज द वे इन विच. जो बच्चे ये सोच रहे हो इस तरह हम लोग तुरंत कैसे पहचान लेंगे कि पी और क्यू एक साथ होगा, वो ये देखें. हिंदी बहुत जरूरी समझना, ध्यान रखें. एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ हबीब तनवीर. हबीब तनवीर का जो एक शानदार उदाहरण है इसमें कहीं भी अभी वर्ब नहीं आएगी, वो वर्ब जब भी आएगी आगे आनी है. हबीब तनवीर का एक एग्जाम्पल, एक्सीलेंट एग्जाम्पल, हबीब तनवीर नॉन एक्सप्लोइटेटिव अप्रोच यानी हबीब तनवीर के, ये हबीब तनवीर से भी बता रहा है कि आगे कोई कोई नाउन या कंपाउंड नाउन रहेगा आपके पास. तो एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ हबीब तनवीर नॉन एक्सप्लोइटेटिव अप्रोच इज, है ना, इस किसके लिए है? एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल इज, क्या ये वर्ब किसी और में है? देखिए, एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ हबीब तनवीर ही वुड फिट, कभी नहीं बैठेगा ना अगर आप समझ रहे हो तो. एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ हबीब तनवीर ट्राइबल म्यूजिक इन अ वे, अब ध्यान देखिए कहीं वर्ब नहीं मिल रही है आपको. एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ हबीब तनवीर ट्राइबल म्यूजिक इन अ वे दैट अलाउज, ये ट्राइबल म्यूजिक वगैरह के लिए दैट अलाउज है. एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल के अलाउ का प्रयोग नहीं किया गया. एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ हबीब तनवीर नॉन एक्सप्लोइटेटिव अप्रोच इज, है ना, इस किसके लिए? नहीं, जब भी आएगा आर आएगा और जब आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे एंड के बाद ट्राइबल म्यूजिक आएगा, यानी आर पहले आएगा फिर पी और क्यू, तो आर आएगा, आर पी और क्यू, यानी क्या जाएगा? ये डी ऑप्शन आपका हो जाए. आप कर सकते हैं जी, मुझको बताइएगा जरूर कितने बच्चों ने 24 आउट ऑफ 20 कर लिया है. जिन बच्चों ने 24 आउट ऑफ 20 कर लिया है वो बच्चे कहीं कहीं एक्सेलेंट पोजीशन में हैं, अच्छे हैं, वो हर हाल में और मेहनत करने के वो हकदार हैं ताकि और बेहतर वो कर सकते हैं. तो जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स के द्वारा मेरे, अगर आपको ये अच्छा लगता हो, मेरा प्रयास अच्छा लगता हो, मेरी मेहनत अच्छी लगती हो तो निश्चित ही आप इसे लाइक करना सीखें, कमेंट करें, अपनी जो भी कमियां हो उन्हें बताएं, इंस्पायर करने की कोशिश करें, मोटिवेट करने की कोशिश करें, इवन
प्रमोट करने की कोशिश करें, अधिक से अधिक बच्चों को जरूर बताएं। कल इसी तरह के किसी और सेगमेंट के साथ या प्रैक्टिस सेट के साथ फिर से मैं संतोष श्रीवास्तव सुपर 60 एजुकेशन हब फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।